हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्साह मलिक। मैं एक स्लीप टेक्नीशियन हूँ न्यूरोलॉजी एंड स्लीप सेंटर में। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि Z2 अल्ट्रा स्मॉल ट्रैवल ऑटो सीपैप जो ब्रियास कंपनी का है उसके अनबॉक्सिंग के बारे में, और उसमें कौन कौन से एसेसरीज हमें मिलते हैं और उनके नाम क्या है। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे उन एसेसरीज को मशीन के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या है और काम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। पहले मशीन हमें यूज करने के लिए रात को ट्यूब चाहिए, ह्यूमिडिफायर चाहिए, इसको हीटेड मॉइस्चर एक्सचेंज ह्यूमिडिफायर बोलते हैं, और डिस्पोजल ह्यूमिडिफायर भी है ये, और हमें ट्यूब एडप्टर चाहिए, फिल्टर चाहिए, मशीन चाहिए, और ऑब्वियसली इनलाइन सीपैप मफलर जो साउंड प्रूफ के लिए है। जब मशीन वर्क करता है मशीन से साउंडलेस करने के लिए ये यूज करते हैं हम। सो फ्रेंड, आइए हम कनेक्ट करते हैं सारे एसेसरीज को मशीन के साथ और पावर कॉर्ड के साथ। और मैंने पहले ही पावर कॉर्ड प्लग इन कर चुका हूं। सो अब स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम फिल्टर लगाएंगे। हम फिल्टर चैम्बर देखते हैं कहां पे है। ये है फिल्टर चैम्बर, जो ब्लैक पर्शन देख रहे हैं आप, ये फिल्टर चैम्बर है। इसको ओपन करने के लिए आप ब्लैक पार्ट को ऐसे पकड़िए एंड थोड़ा सा पीछे की तरफ ट्विस्ट करिए। आप देख सकते हैं आपको फिल्टर दिख रहा होगा। अब इसको निकाल भी सकते हैं फिल्टर को, और जब लगाना हो दोबारा आपको जस्ट पुल कर दीजिए। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। ये लगा दिया हमने फिल्टर, तो इस फिल्टर को हम साइड में रख देते हैं। फर्स्ट जब मशीन यूज करना हो, पहले हमें ट्यूब एडेप्टर लगाना होता है। मैं ट्यूब एडेप्टर मशीन में कौन सी जगह पे लगा था हम दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं बड़ा सा होल एंड छोटा सा होल दिख रहा होगा, आप इस पर भी देख रहे होंगे एक बड़ा सा छोटा सा है। ठीक, आप उसको ऐसे पुश कर दीजिए अंदर, ये कनेक्ट हो गया। इजीली देख सकते हैं कनेक्ट हो गया। उसके बाद आप इस पे कनेक्ट करिए इनलाइन सीपैप मफलर जो साउंड प्रूफ के लिए हम यूज करते हैं, नॉइज क्रिएट ना करे मशीन, इसीलिए आपको इधर बस ट्यूब के साथ पुश कर देना है। आपने पुश किया, उसके बाद हम लगाएंगे ट्यूब। ट्यूब के दोनों पार्ट आप कैप भी लगा सकते हैं, इनलाइन सीपैप मफलर पे भी लगा सकते हैं, या मास्क पे भी लगा सकते हैं। मैंने अभी इसको पुश करके लगा दिया, ये लग गया ट्यूब। उसके बाद हम लगाएंगे ह्यूमिडिफायर। ये डिस्पोजेबल ह्यूमिडिफायर है, हीटेड मॉइस्चर एक्सचेंज ह्यूमिडिफायर। ये हमारे जब हम ब्रीथ करते हैं, जब ब्रीथ एक्सिलेशन होती है उससे मॉइस्चर सोक करके ये हमें ह्यूमिडिफिकेशन देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हीटेड मॉइस्चर एक्सचेंज ह्यूमिडिफायर। इसका हम कनेक्ट करेंगे ट्यूब के साथ। एक छोटा सा पोर्शन देख रहे होंगे और ये बड़ा वाला है, तो छोटे वाले को हम ट्यूब पे लगाएंगे एंड बिग वन को मास्क पे लगाएंगे। तो मास्क इस पे अभी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा, नेक्स्ट वीडियो में मास्क कैसे कनेक्ट करते हैं और पेशेंट के साथ कैसे मास्क कनेक्ट करेंगे और इसके मशीन को ऐप के थ्रू कैसे हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे। तो अभी हम इस मशीन को बस हम स्टार्ट करके देखते हैं ऑन करके कि कैसे इसकी साउंडलेस जो हम बोलते हैं कितना नॉइज क्रिएट कर रहा है, आज हम इसमें इस देखेंगे। मैंने सारे एसेसरीज कनेक्ट कर दिए, आप देख सकते हैं सारे एसेसरीज कनेक्ट कर दिए। मैंने पावर कॉर्ड पहले ही प्लग इन कर रखा था, अभी मैंने इस पे लगाया पावर कॉर्ड। आप देख सकते हैं पावर कॉर्ड कहां लगाया मैंने, जस्ट ट्यूब कनेक्टर के ऊपर ही है, एडाप्टर के ऊपर ही पावर कॉर्ड एडाप्टर कनेक्शन है, मैंने लगा दिया। जैसे ही लगाया यहाँ पे कुछ अल्फाबेट लिखे हुए आएंगे, 2 सेकंड के लिए लेता है मशीन प्रॉपर रीड होके ऑन होने में। उसके बाद पावर बटन आप देख सकते हैं यहाँ पे मिडिल वाला पावर बटन है,
आपको इसको बस सिंगल प्रेस करना है, अब मशीन स्टार्ट हो जाएगा। बस 5 सेकंड के अंदर प्रेशर देना स्टार्ट करेगा। अभी ये प्रेशर दे रहा है, मैं फील कर सकता हूँ प्रेशर। आप नॉइज भी सुन पा रहे होंगे, कोई नॉइज नहीं आ रही अदर सीपैप की तरह। ये सबसे स्मॉल ट्रैवल सीपैप है जो ब्रियास कंपनी का है, बहुत ही कॉम्पैक्ट। आप देख सकते हैं कितना छोटा है और आप कितना इजीली कैरी करके इसको लेके जा सकते हैं। इसको आप कार पे भी यूज कर सकते हैं, फ्लाइट पे भी यूज कर सकते हैं डीसी मोबाइल एडाप्टर के साथ। सो फ्रेंड, ये वीडियो इतना ही था। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमारे ईमेल आईडी पे आप विजिट कर सकते हैं और हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@neurologysleepcenter.com और हमारा वेबसाइट है www.neurologysleepcenter.com। थैंक यू सो मच फॉर।